ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ यू, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं हो आप लोग? जस्ट अ मिनट। ओके, कूल। सो दिस वाज द होमवर्क एक्सरसाइज टू, क्वेश्चन 15 to 27, राइट? सो आई होप डन कर लिया ना तुमने? किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, फाइन। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे डाउट है। 15 to 27 एक्सरसाइज टू है जो होंगे, सो टेल मी कहाँ कहाँ दिक्कत है। पहले डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज टू के ऊपर, है ना? थ्री टू 27 है। बताइए। 17th, ओके 17th। जस्ट अ मिनट। Seventeenth for the given VT plot for the gas undergoing a process from state A to state B, select the correct alternatives. ठीक है, तो अपने पास एक VT plot दिया है, ठीक है? तो इस VT plot के अंदर में पहले हम A से start करके कुछ इस तरह से जाते हैं, फिर वी मूव समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना? देन ऐसा, और फाइनली कुछ इस तरह से बी, ठीक है? तो अब देखो, इसको हम रीजन्स मार्क कर लेते हैं, ए सी डी पी, इस तरह से चलेगा। तो अब जरा बताओ कि इसमें हो क्या रहा है, मतलब हाउ आर यू गोइंग टू आंसर दिस, व्हाट इज द अप्रोच दैट यू कैन थिंक ऑफ। अप्रोच क्या दिमाग में आ रहा है? देखो, वीटी ग्राफ को एक तो है कि पीवी में कन्वर्ट कर लो, दैट विल बी बेस्ट। उस केस में तुम्हें डायरेक्ट वेरिएशन पता चल जाएगा, या फिर डायरेक्टली गैस लॉज ही यूज करना होता है हमें, तो गैस लॉ यूज करके आप बता सकते हैं फिर भी, ठीक है? जैसे ए टू सी की बात करें, तो ए टू सी में तो क्या है, देखो ए टू सी में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है? तो अब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट पे प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ही होता है, ये तो सबको चमक रहा होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ही होता है, तो ए टू सी में क्या होना चाहिए टेम्परेचर, बताओ। ए टू सी में टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ना? ओके, फाइन। तो यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहां पे? ए टू सी में। अब हम बात कर लेते हैं यहां से सी टू डी। C टू D में कुछ बोल सकते हैं? एवरेडी एवरेडी C टू D की बात नहीं कर सकते। देखो, D टू P में क्या है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, क्योंकि एक पैरामीटर कम हो रहा है और दूसरा पैरामीटर ज्यादा हो रहा है, ठीक है? बट P टू D में हम बता सकते हैं क्या? देखो, C टू D और D टू P में बात करेंगे, क्योंकि एक पैरामीटर कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, राइट? P टू B में तो बता सकते हैं ना कि दोनों पैरामीटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली
सी बेसिकली पी वी इज इक्वल टू के टी, तो पी जो होता है के टी बाई पी होता है, ये समझ में आ रहा है एवरीडी, टी बाई पी क्या कर दिया मैंने, टी बाई वी सॉरी, हाँ टी बाई वी। तो अब बताओ इसमें क्या हो सकता है, स्लोप जो है इसका ग्रेटर देन वन है एवरीडी, स्लोप जो है इसका ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ आइडिया लग रहा है? स्लोप ग्रेटर देन वन तो ये डिक्रीज होगा ना, यानी वी बाई टी ग्रेटर है तो टी बाई वी लेस होगा, तो इसमें तो पक्का डिक्रीज होगा। अरे यार मैथमेटिकल एनालिसिस थोड़ा करना होगा सुदेश, जैसे देखो थोड़ा बहुत तो ये, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है ना, थोड़ा बहुत तो मैथमेटिकल एनालिसिस तुम्हें खुद से ही करना होगा। यहाँ पे टी बाई वी लिखा है एंड दिस स्लोप इज ग्रेटर देन वन, दिस एम इज ग्रेटर देन वन, तो अब यदि वी बाई टी का स्लोप ग्रेटर देन वन है तो ऑब्वियसली टी बाई वी का तो लेस देन वन होगा, तो यहाँ पर V by T का ग्रेटर देन वन है तो T by P का लेस देन वन है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, इज दैट क्लियर और नॉट एवरीडी, ये समझ में आ रहा है, ये इसके नेचर के ऊपर है। देखो T by V आ रहा है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है प्रेशर कम बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इस केस में ये ज्यादा बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, जैसे ये 2/3 था तो ये ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 point, लेट्स से थोड़ा कम ही पड़ा 3.5, तो ये धीरे धीरे कम होने लगता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो क्या है, पहले प्रेशर बढ़ता है और उसके बाद घटता है राइट, तो ये ऑप्शन सिर्फ बी ही दिख रहा है, इज दैट क्लियर, और ऐसा भी ऑप्शन है क्या, फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज, नहीं बी दिख रहा है, तो आंसर तुम्हारा बी हो गया। देखो क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले भी बताया था कि ग्राफ में तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ग्राफ बनाना है थ्योरी के बाद, देखो सबसे पहला तो कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ इक्वेशंस बनते हैं, फिर ग्राफ ही बनाना होता है ठीक है, तो ग्राफ के ऊपर ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, करना होगा एनालिसिस तो। आगे बढ़ सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, 23 की पहले किसी को कोई डाउट नहीं है, पर सी भी होगा आदित्य सिंह सी, फाइनल प्रेशर इज लेस देन इनिशियल प्रेशर। देखो फाइनल प्रेशर के ऊपर कमेंट कर सकते हो क्या, यू कैनॉट कंपेयर, यहां पर वैल्यूज थोड़ी दी हुई हैं, यहाँ पर तो V by T होता है, रेशियो होता है, यू कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, कैसे बता रहे हो कम होगा, बताओ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एन आर को कॉन्स्टेंट कर दो तो प्रेशर होता है के टी बाई पी, अब यहां का टेम्परेचर सॉरी के टी बाई वी, तुम ये सोचो ना यहाँ पे टेम्परेचर कम है वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम ज्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है वॉल्यूम कम है, तो ये तो रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, तो कैसे तुम बोल सकते हो कि कम ही होगा टी वाई वी, वी कांट प्रेडिक्ट दिस इज बिकॉज अ रेशियो। नेक्स्ट बताइए क्या है, 23 के पहले किसी कोई डाउट है, ओके तो नेक्स्ट 23 पे ही चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम डिक्रीजेस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, देखो टेम्परेचर डिक्रीज किस में होगा, पहला देख लेते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन, देखो डीयू इज इक्वल टू डीडब्ल्यू होता है यहाँ पे सॉरी, हाँ डीडब्ल्यू, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है तो डी डब्ल्यू पॉजिटिव है तो डी यू भी पॉजिटिव होगा, यानी यहां तो टेम्परेचर बढ़ेगा राइट एवरीडी, यहां तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, इट विल इंक्रीज, लेट अस नाउ टॉक अबाउट ऑप्शन बी, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल में तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो ही होता है,
तो यहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना, यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ने की बात है ही नहीं. इज दैट क्लियर? आइसोथर्मल नेक्स्ट ऑप्शन भी है, तो आइसोथर्मल में फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा. लास्ट है एडियाबेटिक एक्सपेंशन. देखो एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव होता है, तो यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा. डी होगा आंसर. हाँ नेक्स्ट. ओके 24 25 और भी 25. हाँ ठीक है 24 25 अंडरस्टूड. ये लिखना है क्या? ठीक है See, 24 है, 1 mole of NH3 at 27 degree Celsius is expanded in a reversible adiabatic condition to make volume 8 times. See guys, we have been given V2 by V1 is equal to 8. यही ना? Moles हमें दे रखे हैं 1, temperature हमें T1 दे रखा है 300 Kelvin, 27 degree Celsius, right? And gamma is also 4 by 3. ठीक है? तो अब देखो क्या है, अपने पास एक रिलेशन होगा. आई होप यू रिमेम्बर दिस. T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1. तो अभी T1 अपने को 300 केल्विन दे रखा है और यहाँ पे V1 बाई V2 कर लेते हैं कि पावर गामा माइनस 1 T2 आ जाएगा. कोई दिक्कत है? तो V1 बाई V2 1/8 की पावर 4/3 माइनस 1 1/3 हो गया, राइट? तो T2 कितना आएगा एवरीबॉडी? 150 केल्विन आएगा, राइट? तो अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन यही होता है ना. देखो वर्क डन होता है n CV T2 माइनस T1. तो अब तो जिसको तुम लिख सकते हो nR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1. तो अब तो बड़ा आसान है ये निकालना. T2, T1, N सब दिया ही है. कैलोरी में R की वैल्यू 2 ले लो, बताओ कितना आता है. रेडी क्या आएगा आंसर बताओ? 900 R है. तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, डेटा इज गिवन, राइट? आगे बढ़े. ओके लेट अस कम टू 25 नाउ. If W1, W2, and W3 are the magnitude of work done of an ideal gas in isothermal adiabatic and isobaric expansion process for the same initial stage to final volume. अच्छा देखो ये हमने question class में किया भी था, याद आ रहा है तुम्हें? Same initial और final volume के बीच में, यानी कि कुछ initial ले लो और एक final ले लो. तो compare करना है. तो सबसे ज्यादा तो किसका होगा बताओ? सबसे ज्यादा isobaric का होगा. फिर दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज एडियाबैटिक, दिस इज आइसोबारिक. सो द ऑर्डर इज आइसोबारिक फॉलोड बाय आइसोथर्मल. यानी कि सबसे ज्यादा होगा W3, देन W1 एंड देन W2. इज दैट क्लियर? Everybody, is that clear or not? Shreyas, तुम्हें कोई doubt है क्या? क्या doubt है?
क्या डाउट है? ये क्वेश्चन हमने किया था ना, दो तरह के कंपैरिजन हमने आपको क्लास में भी दिए थे। ये बोला था कि देखो, व्हेन हीट गिवन टू द सिस्टम इज सेम, देन वर्क डन इज डन मैक्सिमम इन आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? वी हैड मेंशनड दिस दैट व्हेन हीट गिवन टू द सिस्टम इज सेम, देन वर्क डन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, बट इफ द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम आर सेम, यानी सेम इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम में कंपेयर करेंगे तो वी नीड टू कंसिडर एरिया अंडर पीवी कर्व, राइट? आप लोग जो पुराना देखो थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूले हैं, तो आप जो पुराना मतलब जो नए लेक्चर में आते हो तो पुराना कंसेप्ट रिवाइज करना जरूरी होता है। ये दोनों चीजें तो हमने क्लास में डिस्कस करी है श्रेयस। नेक्स्ट और किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो लेट अस कम बैक टू एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपको यदि याद होगा तो हम लोग लास्ट क्लास में एडियाबैटिक इरिवर्सिबल की बात कर रहे थे। कुछ लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा था, राइट? उस वक्त मैच भी चल रहा था, खैर, बट उसमें कोई डाउट है किसी को जितना हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में? सी, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल का जो अपना लास्ट टॉपिक था उसके अंदर हम लोग फाइनल 25 का ए ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन है, अरे कि दिस इज दी ए ऑप्शन विश्वराज, डोंट यू हैव दी बुक? ये है ऑप्शन। हाउ वी कंसिडर्ड आर, आर की वैल्यू 2 लेंगे ना, कैलोरी में 2 ही होता है ना सिद्धेश, आर की वैल्यू कैलोरी में 2 होती है ना, ये हमने गैस स्टेट में पढ़ाई है, तो वही कंसिडर करके सब्स्टिट्यूट कर दिया। कंपैरिजन ऑफ टेम्परेचर तो तुम्हें निकालना है। देखो सी श्रेयस, हमने लास्ट क्लास में कंपैरिजन किया था टेम्परेचर का, तो देखो होता क्या है, डीयू इज इक्वल टू डीडब्ल्यू होता है ना? तो अब कंप्रेशन करोगे तो वर्क डन रिवर्सिबल में कम होगा और इरिवर्सिबल में ज्यादा होगा, और कंप्रेशन में तो हीटिंग ऑफ गैस होता है, राइट श्रेयस? कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव है ना, इज दैट क्लियर? तो हीटिंग ऑफ गैस हो रहा है, तो हीटिंग ज्यादा होगा जहां पे काम ज्यादा हो रहा है, तो हीटिंग इरिवर्सिबल में ज्यादा हो जाएगा ना, तो ज्यादा हीटिंग हो गया, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर जो है T2 डैश ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल कहीं ज्यादा होगा, राइट? ये तो आसान है। कंप्रेशन में देखो हीटिंग होता है, तो हीटिंग ज्यादा कहां पे होगा, जहां पे ज्यादा काम हो रहा है, राइट? तो ज्यादा काम हो रहा है आपका रिवर्सिबल के अंदर या इरिवर्सिबल के अंदर, बताइए? कंप्रेशन के अंदर ज्यादा काम कहां पे होता है, टेल मी, इरिवर्सिबल में, तो ऑब्वियसली फाइनल टेम्परेचर उधर ही ज्यादा होगा, तो इधर हो रहा है हीटिंग ऑफ गैस, यानी हीटिंग इरिवर्सिबल के केस में ज्यादा होगा। ओके, अब देखो एक्सपेंशन की बात करेंगे, एक्सपेंशन की बात, तो एक्सपेंशन में क्या होता है ब्रेडी, एक्सपेंशन में क्या होता है बताओ? एक्सपेंशन में होता है कूलिंग ऑफ गैस, राइट? कूलिंग ऑफ गैस, गैस ठंडा होगा। अब यहां पे देखो वर्क डन जो है वो रिवर्सिबल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल, तो इधर ज्यादा कूलिंग हो जाएगा, राइट? तो ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा बताओ? ज्यादा ठंडा हो गया रिवर्सिबल वाला, तो इरिवर्सिबल कम ठंडा होगा, तो फाइनल टेम्परेचर हमेशा इरिवर्सिबल का ही ज्यादा होगा। इतना ही तो था, ये कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, ठीक है, ऑलरेडी क्लियर है, इतना ही था ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़े थे लास्ट क्लास में, मतलब 2-3 चीजें ही पढ़े थे हम लोग। सो इफ यू हैव टू रिकलेक्ट ऑल दैट व्हाट वी लर्नड इन द लास्ट क्लास अबाउट एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो बेसिकली सी व्हाट हैव वी लर्नड, हमने ये सीखा था कि फाइनल देखो एनसीवी T2 डैश माइनस T1, इसको अपन लिखते थे माइनस पी एक्सटर्नल,
v2 डैश माइनस v1। दूसरी चीज ये है कि इस तरह से हम इक्वेशंस नहीं लिख सकते हैं एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और फाइनल टेम्परेचर T2 is always greater than T2. These are the three things that we learnt in the last class about adiabatic irreversible process. Are we guys clear on this? ये क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाना था हमें। ठीक है, ग्राफ बनाने में मजा आ रहा है सबको या फिर बोरिंग लग रहा है? क्योंकि ग्राफ का काम जो उतरना है इसमें काफी है। आर यू लाइक एंजॉयिंग इट? बिल्कुल बोरिंग, मजा तो आना चाहिए भाई। Fine, so let us do the graphical analysis. तो अब देखो क्या है, हम लोग ये जानते हैं T2 dash is greater than T2, right? Everybody, इधर ध्यान दीजिए, T2 dash, ये तो क्लियर है ना सबको? तो हम लिख सकते हैं P2 dash V2 dash upon NR is greater than P2 V2 by NR. Are we clear? P2 dash V2 dash is greater than P2 V2. अब यदि लिखोगे when final pressure is same, यानी तुमने final pressure रख दिया P2 dash is equal to P2, तो तुमको क्या दिखेगा? V2 dash greater than V2. When final volume is same, तो क्या होगा बताओ? जब final volume same रख दोगे V2 dash is equal to V2, तो क्या होगा? P2 dash greater than P2, right? T2 dash is final temperature of irreversible process and T2 is final temperature of reversible process. ये तो हमने लास्ट क्लास में कॉन्वेंशंस डिफाइन किए थे, राइट? क्लियर है? सो राइट इट डाउन, आई होप दिस इज। देखो ग्राफ इसका एप्लीकेशन है, ऐसा कुछ चराटने वाली चीज यहाँ पे भी नहीं है। लास्ट सेंटेंस ये बोला कि जब फाइनल वॉल्यूम सेम रखेंगे, अरे इन दोनों से कोई एक सेम रखोगे तो दूसरा बड़ा हो जाएगा, यही है ना? Is that clear? Done, everyone? Okay, fine. तो अब देखो क्या है कि जैसे हम कर लेते हैं पहले consider expansion. देखो expansion हो या contraction, हर केस में तो हमको ये पता है ना कि P2 dash V2 dash is greater than P2 into V2, क्योंकि दोनों केस में बड़ा तो T2 dash ही आता था, ये तो क्लियर है ना सबको? एक्सपेंशन हो या compression, हर केस में P2 dash V2 dash will be better greater than P2 into V2. Clear everybody? Write down Kalpesh. Done. और ऊपर स्क्रॉल करूं, लाइक डू यू वांट मी टू गो टू द क्वेश्चंस पार्ट कल्पेश? ओके फाइन, तो अब देखो क्या है, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन, अपन ये बात तो सीख चुके हैं, मोल्स हमेशा सेम होंगे
अच्छा देखो एक बात बताओ, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम सेम अमाउंट ऑफ मूव्स ही लेंगे ना, ये तो ऑब्वियस ही बात हो गई ना। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेम ही मूव लेंगे ना, सिस्टम जो है वो तो सेम ही रखेंगे, तो वो तो अंडरस्टूड होना ही चाहिए कि मूल तो सेम ही होगा। ठीक है, अब देखो कंप्रेशन में हमने एक्सपेंशन किया, तो एक्सपेंशन करने, जस्ट मिनट, एक्सपेंशन हम करेंगे तो लेट से हमने एक इनिशियल पॉइंट ए चूज किया, ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट ए चूज कर लिया, वहां से हम एक फाइनल पॉइंट बी तक जाते हैं थ्रू रिवर्सिबल पाथवे। अब यदि हम सेम फाइनल वॉल्यूम रखेंगे, सेम फाइनल वॉल्यूम रखेंगे, तो बी डैश जो आएगा किसका, इरिवर्सिबल का, वो तो थोड़ा ज्यादा आएगा ना ऊपर। ये समझ में आया सबको? यदि हमने सेम फाइनल वॉल्यूम रखा तो बी डैश जो इरिवर्सिबल वाला पॉइंट है वो थोड़ा ऊपर आएगा, ये क्लियर है ना? तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया वर्क डन इरिवर्सिबल, दिस इज वर्क डन इरिवर्सिबल, ये आ गया वर्क डन इरिवर्सिबल। अब वर्क डन रिवर्सिबल की बात करें तो ये आ जाएगा वर्क डन रिवर्सिबल। इसमें किसी को डाउट है कैसे बनाया, ये समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। इरिवर्सिबल का एरिया कैसे बनाया? अरे देखो जो फाइनल पॉइंट का प्रेशर है वही वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इरिवर्सिबल में माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है, और हम लोग जानते हैं कि जो फाइनल प्रेशर होता है वही एक्सटर्नल प्रेशर होता है, राइट? एवरीडी इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये क्लियर है नहीं, फिर से मैं समझा दूंगा। जस्ट ए मिनट, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, एक बार मुझे जो है ना ग्राफ बना लेना। एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? देखो यहाँ पे हमने क्या रखा है, V फाइनल सेम रखा है और यहाँ पे हमने P फाइनल सेम रखा है। देखो ज्यादा कुछ नहीं है, अपने को ग्राफ एनालाइज करने आना चाहिए, राइट? हमें क्या करना चाहिए, ग्राफ एनालाइज करने आना चाहिए, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में हमने बताया है कि हमें ये काम तो करना ही है, बेसिकली एक मेजर काम है ग्राफ का एनालिसिस जो हमें थर्मोडायनेमिक्स में करना होता है क्वेश्चन के अंदर, राइट? तो अब देखो क्या है, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में ये बात तो सबको क्लियर हो जाएगी ना, हो गई है ना, कि पी टू इंटू वी टू, पी टू डैश वी टू डैश विल बी ग्रेटर देन पी टू इंटू वी टू। एवरीडी आर यू क्लियर ऑन दिस? पी टू डैश इंटू वी टू डैश इज ग्रेटर देन पी टू इंटू वी टू। नाउ इफ यू आर क्लियर ऑन दिस, तो अपन ये बात समझ सकते हैं कि यदि कोई एक पॉइंट सेम रखेंगे, यानी कि फाइनल वॉल्यूम सेम रखेंगे या फिर फाइनल प्रेशर सेम रखेंगे, तो एडियाबैटिक वाला जो इररिवर्सिबल वाला पार्ट है वो बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? अरे हाँ यार, कुछ तो बोलो। तो पहले केस में हमने क्या किया, फाइनल वॉल्यूम सेम रखा है, तो फाइनल वॉल्यूम सेम रखने का मतलब है कि ये पॉइंट हमने चूज किया है तो इसके ऊपर या इसके नीचे ही रखेंगे ना, इसी रेफरेंस पे रखेंगे, कोई दिक्कत है? तो अब देखो हमने किया क्या, तो जब यहाँ पे वी फाइनल हमने सेम कर दिया तो ये वी कट जाएगा, तो पी टू डैश ज्यादा होगा ना पी टू से, तो अब यहाँ पर पी टू है तो पी टू डैश इसके ऊपर आना चाहिए, तो हमने इसके थोड़ा ऊपर बनाया, कितना ऊपर बनाएगा ये हम नहीं बोल सकते। वर्क डन तो एरिया अंडर पी पीवी कर्व होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, तो ये आ गया एरिया, तो हमने इसको शेड करके बता दिया कि ये इरिवर्सिबल का वर्क डन है, क्या दिक्कत है? एवरीडे इसमें किसी को दिक्कत है?
एको क्या नहीं लेना चाहते हो, क्या पूछना चाह रहे हो? एको क्यों लेंगे? एको रिवर्सिबल में दिखाया ही है ना हमने, एको रिवर्सिबल के अंदर तो दिखाई दिया ना, इरिवर्सिबल में ए नहीं दिखाते ना श्रेयस। हमने वर्क डन जो रिवर्सिबल का कंपेयर किया था एरिया अंडर पीवी कर्व, उसको एक बार ध्यान से देखो कैसे करते थे। माइनस पी एक्सटर्नल डीवी तो लिखते थे जो सिंगल स्टेज, टू स्टेज, थ्री स्टेज, फोर स्टेज, इनफिनाइट स्टेज किया था। क्लियर है? और किसी को डाउट है इसमें? पहले वाले ग्राफ में वॉल्यूम सेम रखा है फाइनल। एवरीडी, अब तुम जब फाइनल प्रेशर सेम रखोगे तो वॉल्यूम तो इरिवर्सिबल का ही ज्यादा आएगा ना, वी टू डैश थोड़ा आगे निकल जाएगा इस बार। क्लियर है? यदि तुम फाइनल प्रेशर सेम रखोगे तो वी टू डैश थोड़ा आगे निकल जाएगा। कितना आगे निकलेगा इसकी बात अपन नहीं कर सकते, बट आगे निकलेगा। राइट, ग्राफ कैसे बनाया रिवर्सिबल का? एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ कैसा होता है? पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, इसके हिसाब से बनाया है। कुछ लोगों के क्या सवाल, तो कौन सी बात कर रहे हो तुम? कौन सी बात कर रहे हो सिद्धेश? यू कैन टेल मी। इनिशियल सेम नहीं होना हो हाँ, मतलब रिवर्सिबल में इनिशियल प्रेशर तो सेम रखा है ना हमने, लेकिन जब ग्राफ बनाते हैं तो। अच्छा, ये बहुत लोगों को डाउट है, तुम लोग पिछले क्लास के वाले नोट्स पढ़ते नहीं हो क्या? मुझे लगता है अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। सिद्धेश अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक, बोलो। अरे यार देखो, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, मतलब एटलीस्ट बताओ क्या डाउट है। अनम्यूट तो कर दिया है। वर्क डन इन रिवर्सिबल ग्रेटर होगा किस केस में? एक्सपेंशन में ना, तो ये पॉइंट तो जस्ट इसके ऊपर है ना सोनाली। कितना ऊपर है, हमने इसकी बात तो करी नहीं है। मैंने थोड़ा ज्यादा ऊपर इसलिए दिखाया क्योंकि मेरे ग्राफ में अच्छे से दिखेगा नहीं वो फिर। हाँ सर, मुझे डाउट था कि आपने वो इनिशियल वॉल्यूम तो सेम रखा इरिवर्सिबल के केस में, पर प्रेशर ज्यादा होगा ना इसका या कम होगा रिवर्सिबल का? रिवर्सिबल में प्रेशर, फाइनल प्रेशर की बात कर रहे हो? इनिशियल सर, इनिशियल मतलब आपने वो पॉइंट ए पर, ये वाला मान लो ए है, ये ए डैश है, ये बात हाँ ए डैश बोल, हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट द ए डैश। So what do you want? A dash क्या? इसमें क्या doubt है? What is the doubt on A dash? A dash ऊपर होना चाहिए ना? ऐसा कुछ मतलब? वो final pressure irreversible चुके हैं। भैया final pressure में हमने यदि volume same रख दिया, देखो हमने लिखा है P2 dash V2 dash greater than P2 V2। तो जब हम final volume same रख रहे हैं, तो ये P2 dash final है, initial की बात है, और ये तो initial हुआ ना, ये I है। Okay, okay, okay. और ये final है। तो फाइनल तो ऊपर। हाँ समझा सर, हाँ समझा, क्लियर हो, थैंक यू सर। सोनाली व्हाट इज योर डाउट? सोनाली आर यू क्लियर विथ योर डाउट? देखो ये कितना ऊपर प्रेशर जाएगा हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे भी ये कितना वॉल्यूम ऊपर जाएगा हम इसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। थ्योरेटिकली बस इतना बता सकते हैं ग्राफ के अंदर कि वो आगे होगा। राइट, are we clear on this? We can just compare, right? Theoretically हम compare कर सकते हैं, कितना आगे होगा यह नहीं बता सकते। Okay, I hope you have written this.
ये लिख लिया तुमने? फाइन। सो गाइस कैन वी डू द सेम थिंग फॉर कंप्रेशन? जो हमने अभी एक्सपेंशन के लिए किया है, कैन वी डू द सेम थिंग फॉर कंप्रेशन एज वेल? ये चीज हम कंप्रेशन के लिए कर सकते हैं क्या? देखो कंप्रेशन के लिए भी कर सकते हैं, जैसे पहले हम सेम वॉल्यूम पे रखते हैं अभी, तो कंप्रेशन में तो वॉल्यूम कम करना होगा, तो जैसे इस तरह से हम चलते हैं, ठीक है, सेम वॉल्यूम पे रखेंगे तो क्या होगा इस बार? इस बार फाइनल पॉइंट जो आएगा, जैसे ये इनिशियल है, तो फाइनल जो आएगा ऑब्वियसली फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रेशर इसका ज्यादा आएगा। तो ये ए बी है और ये ए बी डैश है, तो ये कुछ इस तरह का आएगा, राइट? क्लियर है या नहीं है? तो ये ए से बी तुम्हारा रिवर्सिबल हो जाएगा एडियाबैटिक में, है ना, और ये ए डैश बी डैश जो है ये इरिवर्सिबल होगा। Let us represent the same through area under the PV curve. ठीक है? तो likewise ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पर हमने final pressure रखा है same। यहाँ पर हम final pressure same रखेंगे। जैसे A point यहाँ choose किया, A से B, ठीक है? अब यहाँ पे हम final pressure पे जा रहे हैं, तो final pressure B dash इसका ज़्यादा होगा। तो ये थोड़ा फाइनल प्रेशर रहता है। एक सेकंड, एक सेकंड, फाइन, इस बार हम प्रेशर सेम रख रहे हैं तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, राइट? एक मिनट, ये समझ में आ रहा है? फाइनल प्रेशर सेम रखेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा दिखाना पड़ेगा। तो कैसा करना होगा हमें, जैसे ये पॉइंट है, फाइनल प्रेशर सेम रखेंगे, वॉल्यूम हमको ज्यादा किसका दिखाना होगा? वॉल्यूम हमको ज्यादा दिखाना होगा बी डैश का, ठीक है? तो ये कुछ यदि इस तरह से आता है रिवर्सिबल के केस में, तो कुछ इस तरह से आएगा इररिवर्सिबल के केस में। क्लियर हो रहा है रीडिंग या नहीं हो रहा? एवरीडी क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है, जस्ट अ मिनट, पहला वाला क्लियर नहीं हो रहा है। देखो हमने इनिशियली क्या किया है, यहां पे हमने रखा है वी फाइनल सेम, तो वी फाइनल सेम है तो पी टू डैश वो ज्यादा होगा ना पी टू से। यदि ये P2 यहां पे पहुंचे हम रिवर्सिबल के केस में, तो P2 डैश थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा श्रेयस। ये क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? एवरी लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। तो P2 डैश को हमको थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। तो एक्चुअली में जो P2 डैश होता है वही पे एक्सटर्नल प्रेशर भी होता है ना, जो फाइनल प्रेशर होता है। तो ये क्लियर हुआ? जो फाइनल प्रेशर होता है अपन ये जानते हैं, वही एक्सटर्नल प्रेशर भी होता है। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ठीक है? वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो ये एरिया अंडर द कर्व आएगा। क्लियर है या अभी भी क्लियर नहीं है? ग्राफिकल एनालिसिस करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तुम्हें थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत हो रही है, इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। पहला वाला ग्राफ क्लियर हुआ है नहीं? वो ओके, पहले ग्राफ में किसी को डाउट है? इसमें पहला ग्राफ क्लियर हुआ सबको? ए डैश पॉइंट क्या है? ए डैश पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर है ना, इरिवर्सिबल सिंगल स्टेज होता है, तो वर्क डन तो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है। तो जो फिर से बताएं, अच्छा ए और बी पहले ग्राफ में क्लियर है सबको? ए और बी सबको पहले ग्राफ में क्लियर है? तो अब फाइनल हमने क्या रखा है? फाइनल वॉल्यूम सेम रखा है। समझने की कोशिश करो, हमने फाइनल वॉल्यूम सेम रखा है। तो फाइनल वॉल्यूम जब हम सेम रख रहे हैं, तो फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा हो? एवरीडी फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा होगा बताओ? ए डैश का
मतलब इरिवर्सिबल का, तो इरिवर्सिबल को थोड़ा ऊपर रखेंगे ना बी के, और जो बी है जो फाइनल प्रेशर है वही एक्सटर्नल प्रेशर होगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा और ये एरिया अंडर द कर्व आएगा, रेड कलर से मार्क भी किया है मैंने। इज दैट क्लियर नाउ? इनिशियल ज्यादा नहीं हो रहा भैया, वो वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल। कंप्रेशन का केस याद करो, हमने जब कंप्रेशन किया था तो वहां भी कंपेयर किया था। इज दैट क्लियर नाउ? श्रेयस इज दैट क्लियर? याद आ रहा है कंप्रेशन में इरिवर्सिबल में इनिशियल ज्यादा है ही नहीं, वो तो वर्क उसका इनिशियल प्रेशर की बात हुई नहीं। पुराने कॉन्सेप्ट्स ना एक्चुअली तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज मैंने बोली थी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि देखो इसमें जो है ना रिजल्ट थोड़े से ज्यादा है, ग्राफ के कंपेरिजन बहुत ज्यादा है, तो आप रिवाइज करते रहो तो आपके लिए आसान होगा। अब यदि वो नहीं करोगे तो तुम्हारी दिक्कत तो होती ही जाएगी। श्रेयस आई थिंक इन योर केस नॉट डूइंग दैट। कंप्रेशन का केस याद करो तो हमने क्या किया था, कंप्रेशन का केस याद करो, सिंगल स्टेज कंप्रेशन कैसा होता था? सिंगल स्टेज कंप्रेशन हम कुछ ऐसा पढ़ते थे, टू स्टेज कंप्रेशन कैसे पढ़ते थे? टू स्टेज कंप्रेशन कुछ ऐसे पढ़ते थे। रुक जाओ बताता हूं। थ्री स्टेज कंप्रेशन कैसे पढ़ेंगे फिर? थ्री स्टेज कंप्रेशन कैसे पढ़ेंगे? तीन लाइन बनाएंगे है ना, तो इनफिनाइट स्टेज कैसे पढ़ते हैं ऐसे ना, ये याद आ रहा है? तो ये पॉइंट यहां से क्यों स्टार्ट करते थे बताओ, इस तरह का लाइन होता था तो सिंगल स्टेज ही तो इरिवर्सिबल था, यहां से स्टार्ट करते थे ना ऊपर में। अब मैं यदि इसको ही रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक साथ दिखाऊं, सिंगल स्टेज और इनफिनाइट स्टेज, तो इनफिनाइट स्टेज वाली लाइन ऐसी जाएगी इरिवर्सिबल और सिंगल स्टेज तो ऐसी जाएगी, तो ये लाइन ऊपर से स्टार्ट होती थी, याद आ रहा है तुम्हें? तो श्रेयस जब तुम्हें ये बात याद है तो तुम्हें यहां भी समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट ऊपर से स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये इनफिनाइट स्टेज का नहीं है, ये सिंगल स्टेज है और ये इनफिनाइट स्टेज है। यदि तुम ये चीज यहां पे रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है। एक ही पॉइंट पे एंड होती थी वहां पे, तो यहां पे भी तो फाइनल वॉल्यूम सेम ही है ना, एंड हो रहा है वहीं पे, हमने फाइनल वॉल्यूम सेम रखा है तो प्रेशर अलग है। यही तो एडियाबेटिक में अलग कॉन्सेप्ट है कि अलग होगा, P2-V2- इज ग्रेटर देन P2-V2, फाइनल पॉइंट अलग होता है इसलिए अलग होगा। अरे ये तो पढ़ रखा है ना कि एडियाबेटिक में फाइनल पॉइंट अलग होता है, तो अलग ही आएगा ना। ये हमने दो क्लास में पहले पढ़ा था कि फाइनल पॉइंट तो अलग होता है एडियाबेटिक में, तो अलग ही रहेगा भाई, वो सेम क्यों रहेगा? ओके और किसी को डाउट है? एवरीडी और किसी को डाउट है इसमें, पहले वाले ग्राफ में? देखो ऐसा बहुत मुश्किल है नहीं, प्रोबेबली और लैकिंग समवेयर इन प्रैक्टिस। सेकेंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल प्रेशर सेम रख रहे हैं, हम लोग फाइनल प्रेशर सेम रखते हैं। तो अब खुद सोचो फाइनल वॉल्यूम किसका ज्यादा आएगा, बी डैश का ज्यादा आएगा। तो अब बी डैश का ए से बी बना दिया और इसका ऐसा नॉर्मल रखा, रिवर्सिबल तो क्लियर होना ही चाहिए, और रिवर्सिबल का ए डैश बी डैश दिखा दिया, कौन सा बहुत बड़ी चीज है? और किसी को कोई डाउट है? समझ
राइट इट डाउन। Written everyone? Everybody written? Notes इसका मतलब तुमने बनाया नहीं है श्रेयस अच्छे से। ये लिख लिया तुमने? ओके सी इसको कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है? क्या किसमें किसमें बहुत बोल रहे हो कि क्या याद रखना है तुम्हें? किसमें तुम्हें क्या याद रखने की बात कर रहे हैं? नोट्स में से? अरे देखो ज्यादा चीजें याद नहीं करनी है। एडियाबेटिक के केस में तुम्हें जैसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का ग्राफ तो हमने बताया था ना कि कैसे बनाते हैं, तो यदि तुम उस प्रोसेस को पकड़ चुके हो और उसको तुम प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलो अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं सिंगल स्टेज डबल स्टेज के ऊपर भी। क्या है? अ सिस्टम ऑफ गैस। प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, तुम्हारे पास एन अवस्थी है, सॉल्व करो उससे। एक्सपैंड्स इरिवर्सिबली अगेंस्ट A constant external pressure। वो उसकी जरूरत क्या है भैया पार्थ? वो तो हमने बनाया था ना यार कंप्रेशन वाला, वो तो पहले भी बनाया था ना कंप्रेशन का वर्क डन, सिंगल स्टेज टू स्टेज इनफिनाइट स्टेज, वही चीज मैंने फिर से समझा दिया। वो फिर से लिखना चाहते हो? ओके अ सिस्टम ऑफ गैस expands irreversibly against a constant external pressure equal to 1 atm। ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है। पी वन दे रखा है तुम्हें 10 atm, वी वन दे रखा है तुम्हें 1 लीटर। पी वन दे रखा है 10 atm, वी वन दे रखा है 1 लीटर। ठीक है एवरीबॉडी, तो वर्क डन क्या होगा ये बताओ। बहुत इजी है एवरीडे, वर्क डन क्या होगा?